हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएम ज्योतिष ब्लॉग में। मैं हूँ स्टेशन मास्टर ज्योतिष और आप लोग के सामने आज बताऊंगा जो कैंडिडेट्स एनटीपीसी के मेरिट से वंचित रह गए हैं। दोस्तों, उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप CBT 2 के कटअप से मार्क्स ज़्यादा ज़्यादा थे तो आपको लेवल 5, लेवल 4, 3 और 2 में चांस मिलेंगे, तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। दूसरा बात, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो CBT 2 के मार्क्स से, उनका कट ऑफ मार्क्स से उनका मार्क्स ज़्यादा था लेकिन साइको में फेल हो चुके हैं, तो उन दोस्तों को लेवल 5 में चांस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनका साइको छूट गया तो उनको मतलब हो गए, मतलब कि वैकेंसी से बाहर हो गया, ऐसा नहीं है। उनको लेवल 5 में चांस दिया जाएगा क्योंकि इस बार रेलवे बोर्ड अपना रूल चेंज कर दिया है। पिछले बार का वैकेंसी के अपेक्षा, पिछले बार के वैकेंसी में 2018 में भी देखे थे बहुत सारे लड़के ग्रुप डी में भी, टेक्नीशियन में भी, ALP में भी, सभी में रिजल्ट लेकर आ रहे थे और लास्ट में एक ही ज्वाइन कर रहे थे, तो इसके लिए वैकेंसी खाली हो जा रही थी। अभी क्या है कि वैसा रूल नहीं है रेलवे बोर्ड, इसलिए इस बार लेवल 6 से स्टार्ट किया रिजल्ट देने के लिए। पहले लेवल 6 का रिजल्ट आया है, जो लड़का साइको में पास थे और जो इसका मेरिट बनता है 70+30% करके जो पास हुए हैं उनका रिजल्ट आ गया है। अभी वैसे जो लड़के साइको में फेल हुआ उनको लेवल 5 में रिजल्ट दिया जाएगा और लेवल इसके बाद लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 4, 3, 2 ऐसे करके रिजल्ट आएगा। दोस्तों, अभी लेवल 5 का रिजल्ट आने में कुछ वक्त लगेगा क्योंकि पहले इसका DV होना है। DV होने के बाद जो लड़के सेलेक्ट हो जाए उनका मतलब लेवल 6 में काम खत्म। जो लड़के डिसक्वालीफाई होंगे DV में, उनको लेवल 5 में फिर एक बार चांस दिया जाएगा। हो सकता है लेवल 5 में क्वालिफाई कर जाए क्योंकि इस बार गवर्नमेंट का जो रूल है वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को लेने का है, इसलिए कैंडिडेट्स को बहुत अभी फायदा होने वाला है इस बार के वैकेंसी में और गवर्नमेंट को भी फायदा होने वाले हैं क्योंकि पिछले बार लड़के ज्वाइन कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग करने के बाद फिर छोड़ के भाग जा रहे थे, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था और वैकेंसी भी हो जा रही थी। तो इसके लिए आप आपा नहीं खोए, आप लेवल 5 में, 4 में, 3 में, 2 में एलिजिबल हो जाएंगे यदि आप CBT 2 के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा इतना ही मार्क्स है, मैं क्या करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन फ्री रहिए, वेट कीजिए। बहुत सारे लड़के का अभी जो कट ऑफ के आसपास थे, CBT 2 के कट ऑफ के आसपास सभी लड़के का लगभग चांस है इस बार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसलिए आपसे एक शिकायत है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और आप देख सकें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।